प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं योगाचार्य महेंद्र पाल। आज का टॉपिक है भुजंग आसन। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, आप ध्यान देकर सुनेंगे। भुजंग कहते हैं कोबरा के लिए, यानी सांप होता है उसके लिए। तो बड़े ध्यान से आप देखें, इसकी विधि आप समझेंगे कैसे इसे करेंगे। कोई भी आसन आप बिछा लें, कोई योगा मैट या कोई आसन, दरी, कंबल, चादर, जो भी आप चाहें, और पेट के बल लेट जाएंगे। पांव लेटे हुए बाहर की ओर खिंचे हुए, एड़ियां और पंजे मिले हुए, माथा पृथ्वी पर, हाथ की हथेलियों को कंधों के बराबर स्थिर करेंगे। कोनियां भी भूमि से सटी रहें, गर्दन को थोड़ा उठाकर अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ दें। जैसा कि एक बार आप देख लें, पहले फर्स्ट पोज में इस तरह से आपका पूरा शरीर सीधा रहेगा, हथेलियां ज़मीन पे, और फिर सेकंड पोज में आप आएंगे इस तरह से, थोड़ी कोनियां उठेंगी और आगे से श्वास को अंदर भरते हुए गर्दन को धीमे धीमे आगे से ऊपर की तरफ उठाएंगे। धीरे धीरे नाभि से आगे वाले भाग को उठा देंगे और कोहनियाँ पृथ्वी से थोड़ी उठेंगी। ध्यान रहे पीछे से एड़ियाँ नहीं खुलनी चाहिए। हाथों पर दबाव कम से कम तथा गर्दन की स्थिति पृथ्वी पर वापस आने तक एक जैसी बनी रहे। कुछ क्षण इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। बायां कान जमीन पर लगाते हुए शरीर को शिथिलासन में ढीला छोड़ देंगे। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र यानी थ्रॉट चक्र। अब जानेंगे इसके लाभ के बारे में। तो फाइनल स्थिति आप देख लें एक बार इस तरह से, ये सेकंड पोज और थर्ड पोज ये है हमारा। इस आसन से गुर्दों को विशेष रूप से लाभ मिलता है। जो हमारी किडनी होती हैं वो स्वस्थ होती हैं। गर्दन, कंधे, मेरुदंड यानी स्पाइन हमारी प्रभावित होती हैं। टॉन्सिल व गले की ग्रंथियों को बल मिलता है, जिससे शरीर में यौवन पूर्ण लचक पैदा होती है। हृदय रोग में विशेष तौर पर लाभ देता है। सर्वाइकल के रोगों के लिए रामबाण है, एड्रिनल ग्रंथि प्रभावित होती है। तो एक बार आप फिर से देख लेंगे इस आसन को ध्यान से, और मुझे आशा है कि सभी बच्चे इस आसन को करेंगे, नियमित इसका अभ्यास करेंगे, इसका पूरा लाभ उठाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ, अपना चित्त प्रसन्न, मन को शांत रखेंगे, अपनी माइंड पावर, मेमोरी पावर और एकाग्रता को बढ़ाएंगे और अपना रिजल्ट बहुत अच्छा बनाएंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ